हेलो फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए, आज मैं लाई हूँ लकी प्लांट, जिसे जेड प्लांट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है घर में लगाना। अगर नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा, मौसम भी अच्छा चल रहा है। लास्ट फरवरी चल रही है और आधे मार्च तक आप लगा सकते हैं। कटिंग वगैरह, पौधों की रिपोर्टिंग, जो भी आप करना चाहें बागवानी से जुड़े हुए काम, तो आप इस महीने कर सकते हैं। क्योंकि बाद में फिर तेज गर्मी पड़ने लगती है, तो बाद में पौधों को मरने का डर रहता है। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है और ग्रोथ का भी टाइम है इनका, पौधों का। तो इसमें हम कटिंग्स भी लगा लेते हैं, रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं और खाद भी दे देते हैं पौधों को। तो ये देखिए, ये मैं आज लगा रही हूँ इसकी कटिंग, और मैं लाई हूँ। अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, उसमें से नहीं है तो मेरी तरह मांग लाइए, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, जहाँ से आपको मिले वहीं से ले आइए। मैं तो मेरे रिश्तेदारों से लाई हूँ, तो ये काफी सारी उन्होंने दे दी थी मुझे। तो आज मैं इनको कई पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि मेरी ज्यादा से ज्यादा जेड प्लांट की कटिंग बने और फिर मैं टोप्यारी बना सकूं। एक दो टोप्यारी बन जाए मेरी तो देखती हूँ। वैसे तो बोलते हैं कि 10-15 दिन में कटिंग ग्रोथ पे आ जाती है, और बोलते भी हैं, और मैंने भी देखा है, मैंने पहले कटिंग भी लगाई है इसकी, तो बहुत ही जल्दी आ जाती है ये, मतलब जड़ इसकी बहुत जल्दी आ जाती है और नई नई पत्तियां भी आती हैं। मैं पहली जो लगी हुई है मेरी, उनको भी दिखाऊंगी। लेकिन मैंने क्या किया, उनको छाया में रख दिया था, तो उस वजह से मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन जब से मैंने धूप में रखी है, तब से अच्छी चल रही है। और तो और इनमें ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। अगर 2-4 दिन हम भूल भी जाते हैं पानी देना, तो भी इन्हें कुछ नहीं होगा, सही से चलती हैं। लेकिन इनमें पानी ज्यादा डल गया तो मर जाते हैं, और इनको धूप भी चाहिए। मेरे छाया में थे तो इस वजह से ऐसे ही हो गए। और मैंने दो क्यारी भी बनाई है पहले एक, और मैंने वीडियो भी डाली है, और अच्छे से हो रही थी। लेकिन जैसे ही सर्दियां आई और धूप उस साइड में नहीं पहुंची, तो फिर वो ढली हो गई, मतलब पत्तियां सारी झड़ गई थी वो, और ऐसी हो गई थी मरी मरी सी, और एक तरफ की तो सूख भी गई थी। लेकिन फिर मैंने उसको उठा के धूप में रख दिया, पूरे दिन की जहाँ धूप आती है, तो फिर से उसमें नई ग्रोथ चालू हो गई है। तो वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि छाया में नहीं रखनी चाहिए जेड प्लांट। हाँ, आप रख सकते हैं शौक के लिए, एक आध दो दिन रख सकते हैं, 2-4 दिन रख लीजिए, फिर बाहर रख लीजिए 2-4 दिन, ऐसे करके हम रख सकते हैं। लेकिन ऐसे लगातार रख देते हैं 15 दिन महीना भर, तो ऐसा नहीं रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन रख लीजिए, फिर बाहर रख दीजिए 2-4 दिन, फिर अंदर रख लीजिए, ऐसा करके इसको रख सकते हैं। और नहीं तो जहाँ धूप आती हो, खिड़की हो और अंदर तक धूप आती हो, तेज चमकती हुई रोशनी आती हो, तो वहां भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, और मैंने कटिंग सारी लगा दी बातें करते करते, और बड़े इनमें बड़े ही लगा दिए, और छोटी छोटी जितनी भी बची थी, तो लास्ट में मैंने ये 2-2.5 इंच का ही डब्बा होगा ये मेरा, और उसी में मैंने कटिंग्स लगा दी, तो इतनी सारी सारी। और जो खाली सा दिख रहा है, उसमें मैंने जो पत्तियां गिर जाती हैं एक एक, वो भी रख दी कि चलो इनको भी हम ट्राई कर लेते हैं लगती हैं कि नहीं। तो ये मेरी हो गई तैयार, अब दिखा। ये देखिए दोस्तों, पुरानी जेड प्लांट मेरी, देखिए कितनी छोटी सी बोतल में लगी हुई है, और देखिए नई छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं सबके ऊपर। जैसे ये है, ये सबके ऊपर आ रही है, और ये मजबूत भी है। तो एक ये है, और ये है वो टोकरी जो मैं बोल रही थी, तो इसमें भी नई ग्रोथ चालू हो गई है। ये देखिए, ये सब नई नई पत्तियां आ गई, पहले एकदम मुंडी हो गई थी, सिर्फ ये स्टेम रह गई थी, तो अब ये सब पत्तियां आई हैं। ये टोकरी में लगी हुई है, मैंने सीमेंट की बनाई हुई है, होममेड। आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाकर कि मैंने कैसे बनाई है सीमेंट की टोकरी। तो अब इस पर ग्रोथ आ जाएगी, और जब लंबी स्टेम में और तैयार हो जाएगी, तो मैं दूसरी तरफ इधर से भी तैयार करूंगी, जब करूंगी तब आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये है एक ये है, इसमें तो बिल्कुल छोटी सी लगाई थी, ये देखिए कि तीन तरफ से बढ़ रही है, एक ये डंडी थी अकेली, ये मेरे लटकने वाले में, और इधर भी है लटकने वाले में, इसमें भी, ये देखिए। और जब भी लगाती हूँ मैं, तब भी वीडियो डालती हूँ, तो बताइए मेरा
कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और इनकी वीडियो देखें तो देखिए मैंने कैसे बनाई है। ये बोतल से बनाई है मैंने, पानी की जो 2 लीटर की बोतल आती है उसी से बनाई है मैंने। ये 3 प्लांटर बनाए थे, 2 पीले 1 सफ़ेद, इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखा है। तो चलिए फिर हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, थैंक यू।